बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम छोटी बच्चियों के सिंपल जो सादा पजामे होते हैं उसकी कटिंग करेंगे। और ज़्यादातर उन पजामों का ये मसला होता है कि वो फट जाते हैं आसन से, वो बच्चियों के पजामे फट जाते हैं। आज मैं आपको उनकी कटिंग इस तरीके से बताऊंगी कि वो फटेंगे नहीं। मैं साइज ले रही हूँ 9 से 10 साल की बच्ची का। लेंथ मुझे चाहिए 33, मैंने टोटल 36 इंचेस लिए हैं। 2 इंचेस इसमें से अंदर फोल्ड करने का लेंगे। अंदर फोल्ड करने का 2 इंचेस ले लिए हमने। अब जो पजामे का आसन हमें चाहिए वो है प्यार 12.5 इंचेस, तो मैं 14 इंचेस बल्कि रख लूंगी। जो ट्राउजर की थाई है वो हमें 16 इंचेस रखनी है। यहां से 16 इंचेस आप 15 पे भी मार्क कर सकते हैं, 15 भी ठीक होगी। 15 इंचेस पे हम ये रख के और 12.5 हमें तैयार चाहिए और हम 14 लेंगे टोटल आसन। पजामा पंचा पजामे का 6 इंचेस है। यहां से हम 7 इंच पे मार्क कर लेंगे। 7 इंचेस पे, और यहां से अब हम इसको नॉर्मल, जिस तरह एक नॉर्मल पजामे की शेप होती है वो दे लेंगे। आपकी अपनी मर्जी है कि आप यहाँ से तंग रखना चाहें या खुला रखना चाहें। सर्दियों सर्दियों में पैंट ट्राउजर या टाइट्स वगैरह चल जाती हैं, लेकिन गर्मियों में बच्चियाँ पजामे शौक से पहनती हैं क्योंकि गर्मी होती है। अब हम क्या करेंगे कि जितनी हमारी टोटल वेस्ट है जिसमें हमने इलास्टिक लेना है, हम उसको कट करेंगे। वो अब हमारा टोटल इलास्टिक कितना होगा, जो हमें रखना है टोटल इलास्टिक 11 इंचेस है। यहां पे हम इसको तकरीबन 2 इंचेस आगे मार्क करेंगे और यहां से हम फिटिंग लाते जाएंगे और इस तरह से नोक दे देंगे। जब हम अपने ट्राउजर को यहां से नोक देंगे तो ये फटेगा नहीं। यहां से जो अक्सर थाई से बच्चियों के फट जाते हैं आसन से, वो नहीं फटेंगे। इससे ये होगा कि इलास्टिक लगाने में भी आसानी होगी और ट्राउजर फटता भी नहीं है पजामा।
इस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे। मैंने इसकी लेंथ टोटल 33 रखनी है। ऊपर से 2 इंचेस का मैंने अंदर फोल्ड करने के लिए छोड़ा है। इसको छोड़ के यहाँ तक हमारी 33 आ रही है और 33 तकरीबन 2 इंचेस ही नीचे है जिसको हम अंदर फोल्ड कर देंगे। आगे आपकी मर्जी है, अगर आप एक्स्ट्रा नीचे कोई फ्रिल, कोई पट्टी, कोई कुछ भी लगाना चाहते हैं तो वो आप लगा सकते हैं। मैं पजामा काटते हुए यहाँ से इस साइड को पांचे की तरफ रख के कटिंग करती हूँ, क्योंकि ये कपड़ा फिर इस तरह से इकट्ठा बच जाता है हमारे पास। अगर हम इस तरफ से इसकी कटिंग करेंगे तो कपड़ा हमारे पास इकट्ठा नहीं बचता, वो ज़ाया होता है। ये हमारे पास कपड़ा इस तरह से बच जाता है ज़्यादा, और ये हम कहीं भी गले पे या कोई भी किसी किस्म की भी डिज़ाइनिंग बाजुओं पे हम इजीली कर सकते हैं। अब ये मैं इसको दरमियान से कट कर लूँगी। इस तरह से ये थी हमारी आज की सिंपल सी वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।